Hi you guys, welcome back to my channel. Today I'll be doing this look with every little tricks and tips I know I'll be going to give you in this tutorial. But this tutorial will be in Hindi language. So please bear with me. And if I do any mistake, I'm sorry. And if you guys wanna know the little tips and tricks at every step of the makeup, please continue watching. सबसे पहले मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए. अगर मेकअप के पहले मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी और मेकअप उसे डैमेज करेगा, ख़राब करेगा. इसलिए हमेशा मेकअप के पहले मॉइस्चराइज़र लगाइए. कोई भी स्किन टाइप हो, मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लगाइए, पर प्लीज़ लगाइए. मैं यहाँ पे ले रही हूँ जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का मिल्क एंड राइस क्रीम. और मॉइस्चराइज़र लगाते टाइम ये बात ध्यान रखें कि आप कभी भी अपने स्किन नीचे की तरफ मत खींचिए, उसे हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में खींचिए. इससे होगा क्या, आपकी स्किन बहुत ही लूज दिखेगी और लूज होती जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मॉइस्चराइज़र लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि आपको अपने नेक को भी कवर करना है, क्योंकि नेक की स्किन भी फेस की स्किन की तरह ही सेंसिटिव होती है. नेक्स्ट इज़ लिप बाम. लिप बाम में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप मेकअप के लिए लिप बाम लगा रहे हो, कलरलेस लिप बाम यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप टिंटेड लिप बाम्स यूज़ करते हो तो वो लिप बाम लिपस्टिक के कलर को चेंज कर देगा. जब भी आप लिपस्टिक लगाओगे तो वो लिप बाम ऑलरेडी टिंटेड है तो वो लिपस्टिक के ओरिजिनल कलर को बदल देगा. अब मैंने यूज़ किया है वैसलीन लिप केयर टोटल मॉइस्चर. आप कोई भी ले सकते हो, पर ध्यान रखिए कि मेकअप करने से पहले लिप बाम लगाइए. तो क्या होगा कि मेकअप के पूरे टाइम तक आपके लिप्स को हाइड्रेशन का टाइम मिलेगा, वो हाइड्रेट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फाउंडेशन आपके स्किन को गोरा बनाने के लिए होता है. नहीं होता. फाउंडेशन हमारे स्किन के ब्लेमिशेस और इम्परफेक्शंस, जो दाग धब्बे हैं, उसे सिर्फ छुपाता है. वो आपको गोरा बनाने के लिए नहीं होता. अगर आप अपनी शेड से 3 या 4 शेड लाइटर फाउंडेशन यूज़ करते हो तो वो बहुत ख़राब दिखेगा, क्योंकि आपका पूरा फेस वाइट दिखेगा, ना कि आपकी स्किन कलर जैसा. यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल 24 आवर्स इनफॉलिबल स्टे फ्रेश फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बेज. फाउंडेशन हमेशा ऐसा चूज़ कीजिए जो आपके शेड से मैच होता हो, ना कि आपके शेड से लाइट हो या डार्क हो. यहाँ मैं एक पंप ले रही हूँ इसका. अगर आपको ज़रूरत हो आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करती हूँ कि पहले कम लीजिए, पहले लगा के देखिए कि आपको और कितने कवरेज की ज़रूरत है. अगर ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है तो ही ज़्यादा लगाइए. पहले से ज़्यादा लगाओगे तो वो निकालना मुश्किल हो जाएगा और वो पूरा लुक बिगाड़ देगा आपका. और मैं क्या करती हूँ, मैं डॉट करती हूँ अपने पूरे फेस पे. इससे मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ कितने कवरेज की ज़रूरत है. और मॉइस्चराइज़र की तरह आपको फाउंडेशन भी आपके गले पे लगाना ही है, तभी वो आपका फेस आपके नेक से मैच करेगा. फाउंडेशन के लिए आप कोई भी फाउंडेशन ब्रश ले सकते हो. मैं ले रही हूँ PSE का 265 फाउंडेशन ब्रश. और फाउंडेशन को पैट कीजिए. ब्रश को राउंड घुमाने से फाउंडेशन आपकी स्किन को भी बिगाड़ेगा. तो ट्राई कि आप फाउंडेशन को ऐसे पैट करके स्किन के ऊपर बिठा दें. एक बार फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है, तो आप फिर से थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के उस जगह पे लगा सकते हैं. जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे इस एरिया में थोड़ी ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है और इस एरिया में, तो मैं दूसरी बार लेके लगा सकती हूँ.
अगेन अपने ब्रश को डैब करके चलाइए, ना कि गोल गोल घुमाइए, वरना वो नीचे के फाउंडेशन लेयर को भी हिला देगा, तो आपको वो कवरेज नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगल का प्रो कंसील इन द शेड क्रीमी बेज। कंसीलर का काम होता है आपके डार्कनेस या और रेडनेस उसको छिपाने का, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपने अंडर आइज में, और कहीं पे भी अगर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा और कवरेज की या कुछ डार्कनेस छिपाने की ज़रूरत लग रही है, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी इसको। ये शेड अंडर आइज के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ज़रा सा पीची टोन है, तो आपको ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा नहीं है। और हमेशा कंसीलर को अंडर आइज में जब भी लगाएं, कंसीलर को ट्रायंगुलर शेप में लगाएं, ताकि वो पूरा एक एरिया कवर कर सके और आपकी अंडर आइज को अच्छे से कंसील कर सके। और इसको मैं अपने आईलिड के ऊपर भी लगा दूंगी। अपने आईलिड के ऊपर जिसको भी डिसकलरेशन है वो ये कर सकता है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे और यहाँ पे डिसकलरेशन होता है, जैसे कि रेडनेस या डार्कनेस, तो उसको कंसील करने के लिए भी आप इसी कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रीम कॉन्टोर या क्रीम हाईलाइट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिक्स भी मैं आपको पाउडर कॉन्टोर और पाउडर हाईलाइट में दिखा दूँगी, क्योंकि वही प्लेसेस है जहाँ आप और क्रीम कॉन्टर और क्रीम हाईलाइट करने वाले हो। अब बारी है अपने फाउंडेशन को सेट करने। हम फाउंडेशन सेट क्यों करते हैं, इसका सीधा कारण ये है कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पसीना होने की वजह से मेकअप निकल जाएगा, मेकअप पिघल के निकल जाता है, तो वो ना हो इसके लिए हमें पाउडर से उसको सेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैक का मिनरलाइज पाउडर इन द शेड, ये शेड है मीडियम। आप अपने शेड का कोई भी पाउडर ले सकते हैं, आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी मेकअप सेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको लूज पाउडर ही चाहिए। और पाउडर अप्लाई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप पाउडर को ऐसे मत लगाइए, वरना वही सेम रीज़न आपका फाउंडेशन का बेस, आपके कंसीलर का बेस निकल जाएगा, वहाँ से अपनी जगह पे नहीं रहेगा। हमें फाउंडेशन को सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको पैक करना है। तो पैक करने के लिए हमें सिर्फ इसको प्रेस करना है स्किन पे, लाइटली प्रेस करना है, ना कि उसको गोल गोल घुमाना है। इससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन हिल जाएगा वहाँ से, वो बहुत ख़राब दिखता है, पैची मेकअप बोलते हो ना, वो दिखेगा फिर। और ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी अंडर आई सेट करने जा रहे हो, तो उससे पहले वहाँ से क्रीजेस मिटा दें, वरना अगर आप पाउडर से उसको सेट कर दोगे तो वो क्रीजेस भी वहाँ पे सेट हो जाएगी, जो नहीं चाहिए।
नेक्स्ट आप कॉन्टोर और हाईलाइट. मैं पाउडर कॉन्टोर और हाईलाइट के स्टेप्स दिखा रही हूँ, आप सेम वही स्टेप्स क्रीम कॉन्टोर और हाईलाइट में भी यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एले कलर्स का आई हार्ट मेकअप कॉन्टोर पैलेट. इसके ये दो शेड्स मैं यूज़ करूँगी अपने कॉन्टोर के लिए. कॉन्टोर करते टाइम आपको ऐसा फेस बनाना है. तो क्या होगा, ये जो बना वो आपका कॉन्टोर लाइन बन जाएगा, आपको डिफाइंड लाइन मिल जाएगा कि आपको वहीं पे कॉन्टोर करना है. कॉन्टोर प्लेसमेंट की ये एक ट्रिक थी. अभी दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आपका कॉन्टोर आगे आ जाता है लाइन से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक मेजरमेंट ले सकते हो कि आपकी आई जहाँ से ख़त्म होती है ना, कॉन्टोर वहीं तक आना चाहिए, उससे ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए. तो आप एक मेजरमेंट ले लोगे ना, तो उससे आगे कॉन्टोर नहीं आएगा और दोनों साइड पे सेम लगेगा. इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए, वरना ये एक धब्बा दिखेगा. और अगर आपका भी फोरहेड मेरी तरह बड़ा है, तो आपको उसको कॉन्टोर करना ही है. तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि जब आप इसको कॉन्टोर करो, यहाँ पे शेड प्लेस कर रहे हो, तो उसको हमेशा अपने बालों के अंदर प्रेस करो, ठीक है. अगर आप बाहर पुश करोगे उसको, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा आपका कॉन्टोर, वो बुरा दिखेगा. तो ट्राई करो कि उसको यहाँ पर प्लेस कर रहे हो आप, तो उसको फिर ऐसे पुश करो अपने हेयरलाइन में, अपने बालों में. बाकी जिस भी जगह पे आपको हाईलाइट करना है, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे. और अब है ब्लश. ब्लश लगाते टाइम आपको स्माइल करनी है. जब आप स्माइल करोगे, तो आपके चिक्स का जो पोर्शन अप होता है, वो होता है एप्पल ऑफ योर चिक्स. तो आपको वहीं पे ब्लश लगाना होता है. अगर वहाँ पे लगाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखेगा. और बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है. अगर आप उसको अपनी स्किन पे ऐसे ज़ोर से प्रेस करोगे, तो वो वहाँ पे एक धब्बा छोड़ देगा. तो बने वहाँ तक बहुत ही हल्के हाथों से सिर्फ ऐसे कीजिए. और हाईलाइटर है, पर हाईलाइटर लगाने के पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है. अगर आपकी स्किन पे कुछ खड्डे हैं या कहीं पे कुछ अनइवन टेक्सचर है, तो वहाँ पे हाईलाइट मत लगाइए. हाईलाइटर उसको और ज़्यादा दिखाएगा. हाईलाइटर वहीं पे लगाइए जहाँ पे आपकी स्किन एकदम स्मूथ है. यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबेलिन का हाईलाइटर मास्टर क्रोम इन द शेड मोल्टन गोल्ड. और अब आते हैं आँखों पे आई शेडोज. आई शेडोज नॉर्मली लोग पसंद करते हैं मेकअप के पहले करना, क्योंकि फॉल आउट होता है. मुझे पसंद है, मैं मेकअप फुल फेस मेकअप के बाद आई शेडो करती हूँ. और फॉल आउट से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने अंडर आईज पे ज़्यादा पाउडर लगा देती हूँ. तो जो भी फॉल आउट होता है, वो मैं सिर्फ हटा सकती हूँ ब्रश से. मैं ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं आई शेडोज़ कैसे अप्लाई करती हूँ और फॉल आउट कैसे कम से कम होगा.
और बने वहाँ तक ब्रश में कम से कम प्रोडक्ट लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा का पूरा आई मेकअप हो जाए। आप बिल्ड भी कर सकते हो उसको, तो कम से कम प्रोडक्ट लीजिए और फिर भी उसको ऐसे फ्लिक कीजिए, तो क्या होगा कि ब्रश में जो एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रोडक्ट बची है वो निकल जाएगी और जितनी ज़रूरी है उतनी ही रहेगी, तो इससे क्या होगा आपका फॉल आउट अपने आप कम हो जाएगा। और आई मेकअप करते टाइम भी आपके लिड पे क्रीज बन सकती है, तो उसको पहले ही रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपको मैट शेड लेना है या शिमरी शेड लेना है, आपके ऊपर है। मैं ये शेड लूँगी यहाँ पे, ऑप्टिमिस्ट, और उसको अपनी लिड पे लगाऊंगी। पर मैं यहाँ पे अपनी फिंगर का यूज़ करूँगी, ना कि ब्रश का। फिंगर से हमेशा ज़्यादा कलर डिपॉजिट होता है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है, तो मैं उसे तुरंत ये ब्रश लेके निकाल दूंगी। उसे वहाँ पे सेटल होने का टाइम नहीं देना है, अदरवाइज वो हमारे स्किन के ऑयल के साथ मिक्स होके हमारी स्किन में सेटल हो जाएगा। फिर वो हटाओगे तो वहाँ पे एक धब्बा दिखेगा आपको। लाइट कलर में फॉल आउट कम होता है और डार्क में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कलर ज़्यादा लोगे तो फॉल आउट ज़्यादा ही होगा, अगर आप कलर कम लोगे तो फॉल आउट कम होगा। उसका डार्क या लाइट कलर से कुछ लेना देना नहीं है। और अभी मैं अपने आई मेकअप से खुश हूँ, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो मैं अब ये निकाल दूँगी। मैंने अपनी आईब्रोज ऑफ कैमरा की है, क्योंकि मैंने उस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी। और अब करते हैं लाइनर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स ऑलवेज ऑन जेल लाइनर इन द शेड ब्रू। और ये लाइनर बहुत जल्दी सेट हो जाती है, तो उसको सेट होने से पहले मैं थोड़ी सी स्मच कर दूंगी, थोड़ी स्मोकी इफेक्ट के लिए। और अब मस्कारा लगाने की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं आज आपको दिखाती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी लैशेस और ओपन और वाइड और फ्लटरी दिखेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी मस्कारा लगाओ तो अपने रूट को इस तरह से जिगजैग करो, ठीक है, वहाँ पे उसको थोड़ा सा जिगजैग मोशन दो और उसके बाद उसको ओपन करके ऊपर जाने दो। सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी। ये करते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि आपकी आई लैशेज ऊपर चिपक ना जाए, वरना आपकी मस्कारा का कलर आपके आई शेडो पे चला जाएगा। और अगर चला भी जाए तो उसके सूखने की राह देखना, अगर उसको तुरंत निकालने का ट्राई करोगे ना तो वो वहाँ पे मार्क छोड़ेगा ब्लैक, जिससे आपका पूरा आई शेडो ख़राब हो जाएगा। अगर वो सूख गया ना तो आप उसको ऐसे करके निकाल सकते हो। और अब आते हैं लिपस्टिक पे, मेरा फेवरेट। हमेशा एक न्यूट लिप लाइनर अपने किट में रखें,
उससे क्या होगा, आप अपने लिप्स को आसानी से डिफाइन कर सकोगे, फिर आपको जो मर्जी चाहे आप लिपस्टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर न्यूड लिप लाइनर होगा तो आपके लिप्स का शेप आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये प्रोफ्यूजन कॉस्मेटिक का मैट नेचुरल। अब लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन टच ऑफ स्पाइस। ये लिपस्टिक पूरी तरह से मैट नहीं है, ये क्रीमी है। तो हम देखेंगे कि आप क्रीमी लिपस्टिक को मैट कैसे बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अब इसके ऊपर कोई भी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले लो, इतना सा, और उसको लिप्स पे डैब करो। सी, ये ग्लॉसी है और ये मैट हो गया। और आप जब इस तरीके से अपने लिप्स को सेट करोगे, ये लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप कुछ खाते हो पीते हो तो ट्रांसफ़र बहुत कम होगी ये लिपस्टिक। और एक लास्ट टिप, अगर आपकी आंखें छोटी है और आपको आंखों के अंदर काजल लगाना पसंद है, तो क्या कीजिए, आप ब्लैक काजल मत लगाइए, आप वाइट लाइनर और या तो फिर न्यूड लाइनर लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी आँखें बड़ी दिखेंगी। और अगर किसी की आंखें ज़्यादा बड़ी है तो उल्टा कीजिए, आप ब्लैक लाइनर लगा दीजिए। तो क्या होगा, आपकी आंखें थोड़ी सी टाइट लाइन दिखेगी, तो वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। एंड लास्टली सेट योर फेस। दैट्स इट फॉर द वीडियो यू गाइस, आई होप यू लाइक इट एंड आई होप माय हिंदी वाज बेयरेबल। So if you like it and if you learn something from it, please like, subscribe and comment. It means a lot to me.